आए थे स्कर्दू, और स्कर्दू से फिर हम होते हुए गुंजा आए हैं। यहाँ का मौसम तो सबसे अच्छा पॉइंट था, और इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, आपसे मुस्कुरा के बात करते हैं। लोकल लोग, यहाँ का कल्चर, खासकर ड्राई फ्रूट्स, और उसके अलावा यहाँ के खाने की चीज़ें, डम्पलिंग्स हमने ट्राई किए, चापचोरो ट्राई किया, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत न्यू था, क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ और मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये जगह इतनी खूबसूरत होगी। यहाँ पे व्यूज बहुत अच्छे हैं खासकर, और यहाँ पे जो भी आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, मैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हुंजा जरूर आइए, नगर जरूर आइए, और ये राकापोशी व्यू पॉइंट जरूर आइए। ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। आई वांट कि हर कोई ये एक्सपीरियंस करे, क्योंकि पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है हमें पता ही नहीं था। और आई एम अ डेंटिस्ट बाय डॉक्टर, मैंने तो हमेशा से पढ़ाई की है अपनी सारी जिंदगी, तो उसके बाद यहाँ पे आना और ये सब कुछ देखना मेरे लिए इट वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर ये रिवर, ग्लेशियर्स जो है यहाँ के, माउंटेन्स, प्लस अगर आप हुंजा की तरफ जाएं, यहाँ पे जो फोर्ट्स हैं वो भी बहुत मतलब उनकी एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है ना, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है इस इलाके का ना। आप यहाँ पे व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ की हिस्ट्री भी इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ का कल्चर और क्यूज़ीन तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीज़ें मिला के एक बहुत अच्छा पैकेज है। इंसान मालदीव्स या इन मुल्कों में जाने से बेहतर है कि यू कम टू पाकिस्तान एंड विजिट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो खासकर ऐसे फॉरेनर्स और ऐसे लोग जिनको माउंटेनियरिंग का शौक है और ट्रैकिंग का, हाइकिंग का शौक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है, वो यहाँ भी जरूर आए, क्योंकि दिस इज द हब ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। खासकर ये ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के जो लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। दे कैन हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस हियर।